हेलो गाइस, वेलकम टू द सास फैमिली लाइफस्टाइल। हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने। कौन सा? तुम्बाड़, जो री रिलीज हुई है। जब कोरोना के टाइम रिलीज हुई थी, जब कोई देखा नहीं था, तो हम लोग जा रहे हैं थिएटर में देखने। चलो फिर मिलते हैं। तो आ चुके हम लोग मूवी टाइम, जो हमारा थिएटर है इधर ही आते हैं। ये रही तुम्बाड़, यही देखने आए हम लोग 13 जुलाई। और भी मूवी लगी है बहुत सारी। लिफ्ट के लिए रुके, अभी जाएंगे ऊपर। स्त्री अभी तक लगी है। सो हम लोग को वापस से बाहर निकलना पड़ा। डैडी नीचे अभी बॉक्स ऑफिस में खड़े हुए हैं। वो पता क्यों आने दो डैडी को। कुछ मेरे वजह से चुप बैठो। अभी डैडी आएंगे तो बताती हूँ उनको। फिर से अभी घर जा रहे हैं हम लोग। सो टिकट सेल हो चुकी है। देखो टिकट सेल हो गई। दो सेल हो गई, एक बाकी है इसकी क्या? वो अनाउंस भी कर रहा है कि 18+ है, इसलिए बोले टिकट है। हम अपना चुपचाप देने का तो पूरा डिटेल बता रहे हैं वो। क्या हुआ? हो गया एक ही बचा है। जो होटल में जो बनती है फिश फिंगर, तो उससे बनता है। तो आज हम लोग घर में वो सालन बनाएंगे, ग्रेवी, तो उसका भी रेसिपी डालेंगे। तो आज हम लोग रेसिपी डालेंगे। और हमारी कैट की तबीयत भी खराब है। मम्मी की फेवरेट कैट की तबीयत खराब हो चुकी है। 4-5 दिन से खराब है। सो कल हॉस्पिटल लेके जाना है। परेल में जो हॉस्पिटल है, बेड हॉस्पिटल, लेके जाना है। सो उसका भी बताएंगे। और आज उसने मुझे मारा इधर, ये देखो, ये हाथ पे, इधर हाथ पे खाना खिला देते, क्योंकि वो 4 दिन से कुछ खा नहीं रहे ना, उसको ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है मेरे को। तो अभी मम्मी इधर आटा गूंथ रहे, बैठ के तैयारी कर रहे हैं। अभी डैडी ने जस्ट सामान मंगाए था, ये सब ब्लिंकिट से। क्या क्या मंगाया वो बताना। क्या है? चार मसाला है, जीरा है, चीज़ है, मोज़रेला चीज़, दही, और पता नहीं चिकन क्यूब मंगाए, और ये मैगी मसाला है, और फिश। खाएगी नहीं, ये तो मम्मी खाएगी। और तुम भी खाएगी। तुम लोग के ठूसने के लिए दोनों बाप बेटी के लिए लव बन रहा है। इनको एक तो नहीं, उसको खा के रखा पराठा। मैं मम्मी का बहुत दिन से बोल ही रही थी। सो अभी मम्मी बटाटे की फिलिंग बना रहे हैं, जो आलू पराठे में। हाँ, अजवाइन और ये जीरा, बस इतना ही पाउडर, बस खाली है। और थोड़ा सा नमक डाल के सॉल्ट कर डाल के इसको मैश करने के साइड में रख देंगे बस। फिर जाएगा कांदा, कोथमीर, कांदा कोथमीर, चीज रेड चिली पाउडर और गरम मसाला। हाँ, और रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, वो बताएंगे कैसा यूज होगा। और चीज आप लोग कोई भी यूज कर सकते हो, हम लोग मोज़रेला चीज यूज कर रहे हैं। चलो फिर आगे का बताते हैं। सो मम्मी ने रोटी बेल लिए है, अभी बताएंगे कैसा का आटा और उससे मैदे से वो कर दी, दोनों मिक्स। ऐसा
चार लाइन बनाऊंगी उनको। ठीक है, एक साइड ये जो है अच्छे से फिलिंग्स बन रहे हैं। ठीक है, मैं तो बटाटे का वो मेन वही है ना, बटाटा फिलिंग से है ना, देखते हैं अभी कैसा बना। ये मम्मी कुछ नवा ट्राई कर रहे थे, देखते कैसा बनता है। एक बज जाएगा मेरा चीज चीज। आप लोग कोई भी चीज यूज कर सकते हो, मैं मोजरेला चीज यूज कर रही हूँ, क्यूब भी आप लोग यूज कर सकते हो, स्लाइस यूज कर सकते हो, जो यूज कर रहे यूज कर सकते हो। कितना चाहिए, भर के डालो कम डालो जैसा। ये चीज आ गई हमारी, अभी आएगा इसमें कश्मीर लाल मिर्च पाउडर एक साइड। जितना आपको स्पाइसी चाहिए वो हिसाब से डालो, ज्यादा नहीं डालो बस। ये ज्यादा तीखा भी नहीं रहता है और जाएगा गर्म मसाला। कश्मीरी लाल मिर्च लोगों का ज्यादा रहता है, ये कलर के लिए मतलब थोड़ा बहुत रहता है। हो गया अभी एक बाजू, अब एक बाजू जाएगा मेरा अनियन। अभी इसको कैसे फुल करेंगे, बार बार आ रहा है ऐसे, एक एक स्लाइस पकड़ के फोल्ड करते जाए। धुआं किस तरह निकल रहा है, अच्छा चीज का खा से धुआं निकल रहा है। अब इसको अच्छे से, अभी इसको अच्छे से वो करने का आउ लगा के क्या ये रोल कर देगा, और इसका जैसे बेल लेना क्योंकि इसमें बहुत, ये इसमें बहुत रिस्की है। हाँ, टूटा भी है इधर उधर से, फट भी रहा है इधर उधर से, तो ये है। ये हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इनके बोलने से। ये तो मैं इन लोगों को हार्ड रेसिपी देता हूँ, ये सीखना चाहिए। मुझे ऐसी नहीं पसंद आता है सब चीज, ये जो टूटा फूटता है। मम्मी अपने हिसाब से भी बनाएंगे, एक बना लिए, इनको ही खिलाऊंगी। टूट रहा है, चिपका दो उसको, देखते कैसा बनता है। चिटक रहा है यार, ऐसा ही नहीं बनेगा। इनके चक्कर में देखो क्या हुआ है, वो बना नहीं तो मम्मी ने उसको भी मतलब वो बोल करके साइड में रखे, वो लास्ट में बनाएंगे। इनकी रेसिपी हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है, आज तक एक भी रेसिपी इनकी सही नहीं बनी नहीं है। क्या अच्छा वाला बता दा, कुछ नहीं का एक अच्छा वाला। ये क्या हुआ मैंने बताता हूं, इसमें ना आटा इसने बहुत नरम पी कुछ नहीं है, क्योंकि एकदम नरम नहीं है। हां जाओ, ये नरम है, जाओ थोड़ा कड़क करने का। अभी इनका नहीं बना तो कड़क करने का ना, नरम करने का कुछ भी चीज ये सब चीज उल्टा ही बता दे। कल आज मेरे को दवा खाना खाने का था, डॉक्टर बोला कि 3 बजे से 5 बजे तक कभी भेजे, मेरे को बोलते 3 बजे से 8 बजे तक तू 5 बजे जाना, और फोन कर निकलने में टाइम होता है। हाँ तो और अलार्म लगा बोलते इतनी जल्दी जाके क्या करेगी, वो मिलेगा नहीं, क्यों जा रहे, काहे के लिए जा रहे, इनकी इनकी तो कोई बात सुनने का ही नहीं, नहीं सुनूंगी। रात में भी बिल्ली लोग अंदर बंद कर रहे, लोग रहते हैं ना बाहर, ऐसी करती मेरी बात नहीं सुनती, लास्ट में खुद ही उठ के बंद करे, परेशान करे तो बाद में उठ के बंद करे। मैं तो बोल भी नहीं, बात बना वैसे नहीं, ये भी सुन तो मेरी हो है ना। सब लोग अपने हिसाब से बना रहे, देख वो करो भी मैं थोड़ी थी देना, मैं तुम जैसे बनाते वैसे ही बनाना। मैं बस देखती हूँ कोई ज़्यादा फेमस तो मेरा वो खराब है, मैं बना के बताऊंगी। चलो बताइए ना कैसा फीलिंग। आप लोग वो मतलब वो बेल के उसको बीच में स्टफिंग करके वो बोल करके वापस बेल सकते हो, जैसा पराठा बनाते हैं। सो चलो फिर अभी देखते कैसा बना रहे मम्मी, बता दें। सो रेसिपी बराबर थी रेडी में जो मेरी
वो एक्चुअली मैं मम्मी ने पहले टाइम ज्यादा ज्यादा भर दिए थे, अभी सेकंड टाइम में थोड़ा कम डाले तो अभी देखो बराबर हो गया। तो स्टफिंग थोड़ा कम डालना, मतलब थोड़ा ज्यादा भर मत देना, तो उसके वैसे टूट गया। बोले आटा बोले पतला गुंदी है ये, तो आम बना चला के कुछ भी कुछ कर दूं, इनको तो खिलाने का कुछ भी। सब बना के फिर मिलते, टेस्ट बताएंगे कैसा है, पहले डैडी को ही देती हूँ। तो जो ये छपरी आई है दिखावा करने के लिए, घी कितना कम लगा रही है, साइड में लगा बराबर, आगे इनका चालू हो जाता है, कितना कम लगा रही है, कितना कम लगा रही है, ऊपर वो उसको चिपकने के लिए नहीं, इसलिए पहले कम घी रखती हूँ। बस देखो मेरी रेसिपी बना रहे हो, स्लो कर गैस। चलो फिर मिलते हैं, अभी खा के बताइए। चटनी भी बनाएंगे मैं तो। सुपर हाटे बन चुके हैं, हालत खराब हो गई इंगो बैठे कैसे पसीने निकल गए हमारे, पसीने निकल गए, वो ही तो वहाँ दिख रहा है। और ये खाना दो चटनी भी मम्मी ने बनाए, एक इमली की चटनी है, इसमें मम्मी ने बटाटो और अनियन ऐड करे, खट्टी मीठी चटनी। और ये एक ग्रीन चटनी है, इसमें मम्मी ने दही और कुछ कोथमीर, हरी मिर्ची का, अदरक लहसुन का पेस्ट, कोथमीर का पेस्ट था तो वो ऐड करे, और थोड़ा सा चाट मसाला, तो एक वो वाला बनाए। सभी खाएंगे तो बताती हूँ, सभी डैडी खा के बताएंगे कैसा बना है। और हाथ आलू के पराठे, खाओ कैसे खाना अच्छा, मम्मी जैसा बनाते वैसा या अरे मम्मी इससे अच्छा है या अच्छा ही है, देखती हूँ मैं, खा निकालना मैं भी खाती। मम्मी आ रहे बाहर, बिल्ली लोग खाना डाल रहे थे, अभी सेट के लगा दे, छोड़। हाँ अभी ये खा के बताएगी, पकड़ कैमरा। मैं बना, मैं क्या खा बताओ, खा के अच्छा ही बना देगा, खुद की क्या वो तारीफ करेंगे। मैं बना तो नहीं, लोग खुद की तारीफ करते हैं ना इसलिए। ऐसा नहीं बनाओ, ऐसा नहीं बनाइए, हो गया वो गया। अभी ये भी उड़ गई है, मीं मीं लूसी का गई। हाँ देख तो ऐसा नहीं, ऐसा खाएगी अभी ये। अच्छा चलो फिर खा के मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग, हम लोग उठ चुके हैं, हमारी लेकिन गुड मॉर्निंग भी है, हमारे बच्चे की तबीयत खराब है। हाँ हम लोग उठे हैं, मैं और मम्मी। इनको देखो ना सो रहे, कैसे देखो मस्त सो रहे, दवा खा रहे हैं, दवा खा रहे हैं तो बाहर जाके खड़े हो गए। तो मेरा क्या काम है, डॉक्टर मैं डॉक्टर हूँ। सो अभी हम लोग जा रहे हैं पटेल हॉस्पिटल, इसको लेके अभी लिखेंगे, आ गई है ओला, फिदा जाना है, फिदा पता नहीं उधर क्या होगा, फिर ऐसे फिर मेरे को क्लास भी जाना है थिएटर। दुआ कर जल्दी जाके, जल्दी अभी एक और अपना काम है वो भी करके। हाँ इनके वजह से मेरे कुछ हो
मेरा तो बोलना ही नहीं, खुद का रोज का नाटक तुम्हारा चल रहा है। सो हम लोग निकल चुके हैं हॉस्पिटल के लिए, आधा घंटा तो आधा घंटा नहीं एक घंटे से हो रहा है, एक तीन राइड घंटे से तो उबेर की तीन ऑलरेडी राइड कैंसिल हो गई, चौथी राइड अभी वो आ गए। अच्छा हुआ तो अगर ये भी कैंसिल कर देते तो फिर ऑटो से जाने का था सही, फिर हम लोग को फिर साइन जाना पड़ता, फिर उधर से भी हम लोग को फिर पता नहीं उधर भी मिल जाएंगे नहीं। और ये तो वो भी बैठा हुआ है चिल्ला रहा है। देखते कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट या एक घंटा तो कितना होता है, 38 मिनट बहुत चाहिए, फिर पहुँच जाएगा जल्दी। देखते फिर अभी देखो उधर उधर कितना टाइम लगता है, फिर जल्दी आ जाएगा क्योंकि उनको क्लास भी जाना है ना, उसके लिए बस थोड़ा वो मगनमारी करना पड़ता है। 6 बजे की क्लास है ना लीजा, तो मेरे को 5 बजे निकलना ही पड़ेगा, 5 से थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा, ट्रैफिक रहती है 6 बजे, हाँ 5 बजे निकल जाएंगे, निकलेगा तो 6 बजे तक पहुँच जाएंगे। चलो फिर वंदे बाद में। सो हम लोग पहुँच चुके हैं इधर, अभी हम जा रहे हैं अंदर डॉक्टर से मिलने, जो हम लोग के डॉक्टर हैं, घर पे भी आते हैं वो, इसको लेके जा रहे हैं, देखते भी बताते। सो हो चुका है बीबी का, मेरे सब परिवार के लोग को इंजेक्शन इंजेक्शन दे दिए अभी ये मेडिसिन के लिए, अब देखते क्या होता है, उसका ब्लड निकाले तभी वो बाहर रिपोर्ट आ जाएगा। मम्मी रख रहे चुका है चेकअप, इंजेक्शन हाँ हो चुका है, दवाई दी और सब पेट लोग के केजेस है, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल परेल हॉस्पिटल। इसको हम लोगों ने ये हॉस्पिटल में 3 बार लेके आ चुके हैं, तीसरी बार है, सो अभी हम लोग उबेर के लिए रुके, उबेर आ भी गई, रुको उबेर में बात करती फोन बैठ के। सो निकल चुके हम लोग, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा हम लोग को, फटाफट हो गया क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर है ना पहचान के, जो घर पे भी आते हैं लोग के लिए तो फटाफट हो जाता है, तो अभी इसका मतलब ब्लड टेस्ट लिए और इसको स्लाइन चढ़ाए, 2 इंजेक्शन और मेडिसिन लिख के दिए, क्योंकि ये खा भी नहीं रहा है ना 4 दिन से, तो उसके लिए फिर प्लस उसका यूरिन जो पास हो रहा है तो उसके लिए दवा, तो अभी देखते हैं। ब्लड टेस्ट लिए तो कल बोले रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा क्या हुआ है, मतलब अगर कुछ टेस्ट वेस्ट करना है और क्या या नॉर्मल है ठीक हो जाएगा तभी देखते हैं, तभी लिख लें हम लोग। इतना इसने कितना उसको टाइट पकड़ के रखा था उसने, फिर भी यहाँ पे इतना इसने ना, क्योंकि उसकी तो अभी एनर्जी बची नहीं है, वो पहले दिन था उसकी उसमें एनर्जी थी तो इसलिए उधर उसने सताया था मम्मी डैडी को। इधर अभी 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, है ना 5 से 6 दिन हो गया, खाना खाया नहीं, हम उसको जबरदस्ती खिला रहे और कल मारा भी उसने मेरे को, तो अभी उसमें एनर्जी बची नहीं इसलिए ज्यादा सताया नहीं उसने, फिर भी लेकिन उसने पूरा हिला दिया। चलो फिर अभी घर पे जाके मिलते, अच्छा हुआ जल्दी हो गया, तभी मैं 1 घंटा आराम तो कर सकती हूँ थोड़ा घर पे जाके, मेरे को लगा 1-2 घंटा लगेगा, आधा घंटा भी नहीं लगा, फटाफट हो गया। सर चलो फिर मिलते घर पे जाके, इसलिए तो बोला 3 से 5 हो तो खाली रहता है ना, नहीं ऐसे भी जाएंगे तो जल्दी करके दे देते, ऐसा नहीं है, हम लोग इतने बार गए हमारा फटाफट करके वो हमारा हो जाता है। सो चलो सो अभी हम लोग पहले वो भी ठीक हो जाएगा ना, तो आज डॉक्टर ने बोला था उसका ऑपरेशन करके ना, मम्मी को कैसा करेंगे मेरे बर्थडे के दिन इनका बोर्ड पैसे लिखेंगे अलीजा बर्थडे बुब्बी नुन्नू के नाम सेलिब्रेशन, उस दिन नहीं बुब्बी का नुन्नू का ठीक होगा, ये मम्मी ने आइडिया दिया मुझे।
मम्मी ने खट्टू मारा मेरा माता सुन भी देख रहा है क्या बोलती है मम्मा क्या बोलती देख मेरे बच्चे को देख ओ माता ये पहुंचने पे इतना हल्का पेंट सुन के मिला घर पे आ चुके हैं और ये तो सो रहे अभी उठे थे सो गए और मेरे को बोल के तू भी सो जा और मम्मी ने अभी बुब्बी को अंदर रखे इधर है बुब्बी इसको इधर रखे थोड़ा इंजेक्शन ग्लूकोज ये सब चढ़ाया ना रिलैक्स थोड़ा सा कम हुआ है ना तो बहुत उसको पेट हुआ है तो ये सारे सब परेशानी इसमें अभी वो थोड़ा आराम करेगा शांत होकर थोड़ा आराम करने हम लोग अंदर छोड़ रहे हम लोग भी थोड़ा आराम करेंगे आधा एक घंटा फिर जाऊंगी क्लास चल फिर सो मैं अभी क्लास से आई हूँ और मम्मी ने अभी खाना बनाया क्लास में बनाऊंगी मैं हाँ क्रैब लिए थे रेडी सुबह सुबह और बोमडी लिए थे लो बोलो सुबह सुबह मैंने उठा और खेकड़ा क्रैप और बोमी लिया बोमी मैंने डक बोमी डक इसी बोलते हैं डक बोलते हैं एक दो दिन नींद आ रही है और ये परेशान कर रहे हैं मेरे को क्या पता खेकड़ा बन गया बोमी का खेकड़ा बन गया है और बताते हैं ये देखो मरी ये है बोमी का ग्रेवी और ये मेरे लिए मम्मी ने लेकिन अभी मसाला लगाया नहीं है हाँ क्योंकि मैं क्रैप खाऊंगी ना मेरा सैंडविच चलो फिर वीडियो इधर ही एंड करते हैं वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेल आइकन जरूर दबाना ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलते रहेंगे चलो बाय।